सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन। हाँ, मेरा मोबाइल स्क्रीन और क्या देख रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल टीम। आज मैं आपके लिए तीन ऐसे एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आप शायद जानते हो पहले, लेकिन मेरा फ़र्ज है आपको बताना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप समझ जाओ क्या करना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारी एप्लीकेशन की तरफ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ रही है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। सो दोस्तों, हमारी पहली एप्लीकेशन जो है वो है रेमिनी। नाम देख लीजिए, रेमिनी है। तो ख़ास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको ओपन करेंगे, बहुत ही बढ़िया फीचर है फ्रेंड्स इसका। ना तो स्किप कर दीजिए, यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से साइन इन कर लेना है किसी भी ईमेल को सेलेक्ट करके। तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इस पर क्लिक करना है, इनहेंस पे। उसके बाद यूज़ इट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर अलाउ करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी क्वालिटी आपको बढ़ानी है। जैसे मान के चलिए कोई पिक्चर की क्वालिटी डाउन है, तो उसको अगर आप क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे ये इस पिक्चर की क्वालिटी बढ़ानी है। आप देख सकते हैं जूम करके, ये पिक्चर की क्वालिटी उतनी मतलब क्लियर नहीं है, थोड़ी धुंधली है। तो मैं इसको बढ़ा करके बताता हूँ आपको क्वालिटी इसकी। तो इस सिंपली क्या करना है, इसको पिक्चर को सेलेक्ट करके इस पर टिक कर देना है। अभी थोड़ी प्रोसेस होगी, कुछ एड्स देखने को आपको पड़ेंगे, तो मैं ऐड को इसको स्किप कर देता हूँ। तो कुछ नहीं करना आपको, कटआउट कुछ नहीं करना, यहाँ पे आएगा सिंपल ऐसा ऑप्शन, तो आपको कैंसिल पे क्लिक करना है। और कैंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी पहले से कितनी ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। देखिए क्लियरिटी, देखिए ये, देखिए पहले की देखिए और बाद की देखिए। स्टेटस बनाने वाले जो बंदे हैं या फिर जो फोटोशूट वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। नहीं समझ में आया तो मैं दूसरी भी एक पिक ले लेता हूँ। वापस इस पर क्लिक करना है, यूजर पे क्लिक करना है और दूसरी एक पिक हम उठा लेते हैं। जैसे मुझे इसकी क्वालिटी बढ़ानी है, इसकी क्वालिटी देख लीजिए कैसे धुंधली है। तो मुझे इसकी क्वालिटी बढ़ानी है, सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा और थोड़ा वेट कर लेंगे, एड आएगा। आपको एड को कट नहीं करना, आपको एड को पूरा देखना है। अब सिंपली इस पर कैंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से कट कर देना है। अब आप देख सकते हैं जूम करके ओके कि पिक्चर की क्वालिटी कितनी शानदार हो गई है। जितने भी फेस है उसकी क्लियरिटी इसने देखिए कितनी शानदार कर दी है क्लियरिटी इसकी। सिंपली अब इसको क्या करना है, सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और ये छोटा सा एड आएगा 5 सेकंड का, इसको देख लेना है आपको, कट कर देना है इसको। सिंपली ये सेव हो गया आपके फाइल में, आप गैलरी में देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये वाला एप्लीकेशन अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है टाइम पासवर्ड ऐप। एक सेकंड फ्रेंड्स, इस ऐप को ओपन करने से पहले आपको अपना डाटा ऑफ करना होगा। सबसे पहले मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ अपना। तो स्टार्ट करते हैं इस ऐप को, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिले। सबसे पहले आपको इनेबल लॉक पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, उसके बाद सेटिंग में जाके इसको परमिशन देना है, उसके बाद फिर से इसे इनेबल लॉक करना है और अलाउ करना है। यहाँ पर ये रिकवरी के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो सिंपली आप कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और आपको यहाँ पे आंसर लिख दें ताकि आप पासवर्ड भूल जाए। वैसे तो पासवर्ड भूलने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी भूल जाए तो आप इसमें डाल सकते हैं। सिंपली मैंने अपने फर्स्ट स्कूल का नाम डाल दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कैसा इंटरफेस आपको दिखेगा मोबाइल लॉक स्क्रीन चालू करने पर, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर बात यह है कि इसके फीचर ये है कि आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। अगर आपका टाइम 0736 है तो आप यहाँ पे 0736 डालिए, आपका मोबाइल खुल जाए। सिंपली आप यहाँ पे चेंज स्लाइडिंग टेस्ट कर सकते हैं, ओपन मी सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं
स्लाइड मी, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू स्लाइड में लिखा हुआ आ रहा है। जैसा भी आप लिखेंगे वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो पासवर्ड है 0736 0736, यहाँ पे आपको पासवर्ड की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भूल ही नहीं पाएंगे इसमें पासवर्ड। यहाँ से आप चेंज वॉलपेपर कर सकते हैं, जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लग रहा है वो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये सेलेक्ट किया। आप प्रीव्यू करते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पासवर्ड देखिए 0736 अभी वही है 0737, देखिए आप पासवर्ड चेंज हो गया है। अब मैं 0737 डाल के देखते, ये देखिए ओपन हो गया है ना, कमाल का ऐप। तो मैं आपको बताता हूँ इसके और फीचर्स के बारे में। जैसे यूज 24 आवर फॉर्मेट, इसको आप ओपन कर देंगे, ऑन कर देंगे, इसे आप अगर ऑन कर देंगे तो इसमें आप देख सकते हैं 24 आवर टाइम का फीचर आ जाएगा। जैसे 1937, अब यहाँ पे पासवर्ड बन जाएगा 1937। तो मैं आपको बता देता हूँ इसे लॉक करके मेरे मोबाइल स्क्रीन को। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल स्क्रीन लॉक किया, मैंने ओपन किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है स्लाइड में। तो यहाँ पे मैं इसको स्लाइड करूँगा और पासवर्ड आप देख सकते हैं 91। आप सिंपली इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसको ऑफ करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा, सिंपली ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जिसका नाम है मार्क। क्या है मार्क? तो मार्क का मतलब क्या है? मार्क कर देना, बस। इस ऐप में कुछ खास नहीं है, सिंपली ये है कि आपको इसको ओपन करना है, अलाउ करना है और परमिशन शायद मांग रहा है तो परमिशन दे देना है बस, और इसको ऑन कर देना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट डिले टाइमिंग मतलब क्या है कि मतलब आपके मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट है वो भराते रहता है। इसमें ये बोल रहा है स्क्रीनशॉट डिले टाइमिंग, इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम के हिसाब से अपने स्क्रीनशॉट को डिलीट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो कैसे? जैसे कि इसमें 1 मिनट दिया है तो मैं 1 मिनट पर सेव कर लेता हूँ, आप चाहें तो इस पर 120 मिनट या फिर 150 मिनट भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने 1 मिनट सेव कर लिया है और सिंपली मैं इसे बैक कर दूँगा। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और देखता हूँ क्या इसे 1 मिनट में डिलीट कर पाता है ये ऐप ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा डिलीट दिस स्क्रीनशॉट आफ्टर 1 मिनट, तो इसको यस कर देना है। उसके बाद देखते हैं क्या 1 मिनट में ये डिलीट कर पाता है। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने गैलरी में और देखते हैं क्या डिलीट कर रहा है ये। तो अभी तक तो नहीं किया है, अभी 1 मिनट हुआ भी नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं लाइव क्या ऑटोमेटिकली डिलीट कर पाता है मुझे। ओ वाओ गाइस, देखा आपने कैसे डिलीट कर दिया ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट को। तो ऐसे ही आप सारे जितने भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसको आप भूल जाते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा सेटअप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बाद में डिलीट हो जाएगा। सो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी वीडियो। और अगर ऐसे ही आप एप्लीकेशंस नए और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।